अस्सलामुअलैकुम। हक न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर तनवीर। नाजरीन, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन अवेयरनेस का फुकदान बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि हम बेहतर लीडर या बेहतर आइडियल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इस पर बात करने के लिए आज खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्बास शाह साहिब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपके मुताबिक एक आइडियल पर्सनैलिटी क्या होती है बीइंग ए पाकिस्तानी? बहुत शुक्रिया आशिर। ये जो टॉपिक आज आपने सेलेक्ट किया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड एक लीडरशिप का फुकदान है इस वक्त। इसी की वजह से ये जो वार हो रही है कंट्रीज़ की वजह से, ये क्यों हो रही है? अगर आप रिसेंट करंट सिनेरियो में बात करें तो लास्ट रशिया एंड यूक्रेन की वार है। ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा लीडरशिप की ही फुकदान की वजह से हो रहा है। सबसे पहले आपको लीडरशिप समझनी है कि लीडर होता कौन है। इसके अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लोगों को अभी तक जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, जो फोरम है, जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोगों को ये तो बता दें कि भाई लीडर है कौन। जब आपको पता होगा कि लीडर है कौन तो तभी आप उसकी फॉलोइंग शुरू करेंगे। क्या बैड लीडर आपका लीडर तो नहीं है? तो इसमें लीडर क्या है? लीडर डिफरेंट जो फिलासफर ऑथर ने लीडर को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है, जिसमें मैंने भी जब इसकी रिसर्च की थी। इसमें डिफरेंट थ्योरीज है लीडरशिप पे। तो किसी ने लिखा कि लीडर इज़ ए पर्सन हु हैज़ ए फॉलोअर्स। तो ये भी समझ आती है कि यार यही है कि लीडर, जो हम भी नॉर्मली कहते हैं यार मेरी इतनी फॉलोइंग हो गई है तो हम भी अपने अंदर खुश होने लग जाते हैं कि भाई मैं एक लीडर हूँ। लीडर मैं ये समझता हूँ, जिससे मुझे जो पसंद है वो ये है कि लीडर इज़ ए पर्सन हु मेक लीडर्स। जो आपको फॉलोअर नहीं बनाता, जो आपको सोचने पे मजबूर करता है, क्रिटिकल थिंकर, इनोवेटिव करता है, क्रिएटिव करता है। लीडर वो पर्सन है। अगर आप करंट सिनेरियो में बात करें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी आए हैं। जी। बहुत अच्छे में। मगर इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लीडरशिप की ही वजह से हम लोगों ने बहुत नुकसान भी उठाया है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर आप लोग बेहतर समझते हैं कि हमारी जो यूथ है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, कोई भी ऐप है, यूट्यूब है, कोई भी ऐप है, वो उसमें लोगों को आइडियलाइज़ कर रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या स्लोगन्स, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े नारे लगाने से। वो क्या करती है हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि हर उस अपकमिंग जनरेशन जो भी है, हर उस फ़र्द के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इस टाइम आइडियलाइजेशन के प्रोसेस पे है कि मैं किसको आइडियलाइज़ करूँ, जो चूज़ करना चाह रहा है। क्या मैं सिर्फ फेसबुक में जिसकी ज़्यादा कंपेन है, क्योंकि हमारी जो यूथ है इस टाइम उनके पास क्या है देखने के लिए? एक मोबाइल है। मोबाइल से वो देखते हैं, वो ट्रेंड देखते हैं, वो उसको आइडियलाइज करने लग जाते हैं। ये जो ट्रेंड है, मगर वो ये नहीं सोचते कि जो ट्रेंड चल रहा है, क्या ये ट्रेंड अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लॉज भी है कि नहीं है। इसमें सर मैं ऐड करना चाहूँगा आपके साथ कि लीडरशिप और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, ये सिचुएशन लीडर क्रिएट कर रहे हैं। ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। देखें, अगर आप करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारी पब्लिक को भी यही नहीं पता कि स्ट्राइक और अफेंस, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एहतजाज और जुर्म में क्या फ़र्क है। क्या एक लीडर आपको अगर स्ट्राइक का कहता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम, और मैं समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है उसको ये बात समझ नहीं है कि आप जिसको आइडियलाइज़ कर रहे हैं क्या वो आपसे एहतजाज करवा रहा है कि अफेंस करवा रहा है। प्रोसिक्यूट आप होंगे, कैमरे में आप आएंगे, अल्टीमेटली यस 780 ये आप पे लगेगा। अदालत में आप जाएंगे, जज को आप फेस करेंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स। और देखें, जो यूथ होती है ना, वो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। ये आपके एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। आप अभी सीखने के मराहिल पे हैं। अगर आपकी फ़ाउंडेशन ही ख़राब हो गई, आपको पता ही नहीं है कि यार हम ऑफेंस करने जा रहे हैं, स्ट्राइक करने जा रहे हैं। एहतजाज आपका हक है, आप ज़रूर करें, मगर ऑफेंस करना आपका हक नहीं है। ये अगेंस्ट द स्टेट है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट लॉज है। तो उस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो लीडर जो है, लीडर कभी भी अपना जो फॉलोअर्स है उनको मुश्किलात में नहीं डालता, उनको मुश्किलात से निकालता है। मैं यहाँ पे कायदे आजम को ज़रूर कोट करना चाहूँगा। वो मेरे भी आइडियल है, वो आपके भी आइडियल है। उन्होंने मुसलमानों को मसाइल से निकाला, ना कि डाला। अब अगर मैं अभी का कंपैरिजन करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तो मसाइल में डाला जा रहा है, निकाला नहीं जा रहा। सही। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स है, जो लीडरशिप के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर ये भी है कि प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, इनिशिएटर होता है, रिस्क टेकर होता है, ठीक है, लीड करता है। वो आपको लीड करेगा किसी भी प्रॉब्लम में। वो ये नहीं कि आप एग्जीक्यूट हो रहे हैं और आप जो है प्रोसिक्यूट हो रहे हैं और लीडर साहब जो है वो आपके जो है वो बाहर के मुल्क की तैयारियां कर रहे हैं। ये हम जेनेरिक वे में इसको लेकर चल रहे हैं। हम किसी पर्सनालिटी को पॉइंट आउट करना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन लोगों के लिए हम ये सवाल छोड़ रहे हैं उनके जहनों में कि आपका लीडर जो आपने ख़ुद बनाया वो कैसा है, वो कैसा है और वो क्या कर रहा है। देखें, लीडर यहाँ पे हमने किसी को भी नाम इसलिए नहीं ले रहे, उसकी वजह ये है, उसकी रीज़न ये है कि हमने सभी ये कर रहे हैं। कोई एक नहीं है ना, कोई एक नहीं है। और ये मेरा मकसद ये सिर्फ पॉलिटिकल यहाँ पे बात करना नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्कस करना नहीं है। मैं बड़ी जेनेरिक पे बात कर रहा हूँ। और लीडर, देखें, लीडर्स आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, लीडर्स आपके इदारों में भी हो सकते हैं। आप लोग आइडियलाइज़ करते हैं उसको, फेसबुक पे, उसको ट्विटर पर लगाते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऐप्स पर लगाते हैं, उनको इदारों के लोगों को भी इम्प्रेस करके लगाते हैं। इवन मीडिया पर्सनैलिटीज़ को लगाया, मीडिया पर्सनैलिटी कोई भी आपको आइडियलाइज़ किया जाता है। मगर मैं फिर कहता हूँ कि आपको लीडर के करैक्टरिस्टिक्स का पता हो कि लीडर इटसेल्फ कौन होता है। सही। सर, बैड लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, लीडर की तो हमने बात कर ली, लेकिन एक ये बड़ा जो ओवरफ्लोइंग कॉन्सेप्ट है आजकल कि बैड लीडरशिप क्या है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये देखिए, आपने बड़ा, मैं कहूँ, राइट टाइम पे सवाल किया है। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब आपको लीडर समझ आ जाएगा ना तो आपको बैड लीडर खुद ही समझ आ जाएगा। बैड लीडर का जो कंसेप्ट, मैं तो समझता हूँ कि जो बैड है वो लीडर नहीं है। मगर अगर आप ये समझते हैं कि जी हम बैड लीडर पे बात करें, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि यार बैड लीडर, वही बात आ जाती है कि क्या आपको मसाइल से निकाल रहा है कि मसाइल में डाल रहा है, क्या आपसे जुर्म करवा रहा है। अगर तो आपसे जुर्म करवा रहा है डिफरेंट बड़े बड़े स्लोगन्स बताकर, होप दे के, तो वो बैड लीडर है ना। क्योंकि हमने तो बैड लीडरशिप की करैक्टरिस्टिक्स में यही होता है कि वो ऑनेस्ट होता है जी। वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होता। तो बैड लीडरशिप को, अब यहाँ पे ये भी आप, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पे ये भी आपको सवाल करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि बैड लीडरशिप को हम कैसे, देखिए, ख़त्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। किसी इस तरह की सिचुएशन में आप एकदम सडन एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। सबसे बड़ा कि जो इस प्रोग्राम के फोरम पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अवेयरनेस दे रहे हैं जनरल पब्लिक को, जब हम बैड फॉलोअर ख़त्म कर देंगे ना तो अल्टीमेटली बैड लीडर भी ख़त्म हो जाएंगे। आपको, आप बहुत ज़्यादा ऊपर मत देखें, आप अपने लेफ़्ट राइट पे देखें। ये प्रोग्राम जो है ना हमारे लेफ़्ट राइट्स के लिए जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर जेनेरिक जो बात कर रहे हैं ना, जनरल, ये जनरल पब्लिक के लिए बात है कि आप जो है ख़ुद अपने आप को ठीक कर लें, आप अपने खुद आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लें, जो आपकी जो नॉलेज है, जो हमने फुल स्टॉप लगा दिया कि भाई ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहा है, आप एनालिसिस करें, आपको कोई नहीं रोक रहा, रिसर्च करें, आप सबकी सुने, अपनी भी सुनाएं, अपना भी सोचें, फिर आप पर्सन को सिलेक्ट करें। ये याद रखें, लीडर आप भी हैं। जो टीवी पे आने वाला पर्सन है सिर्फ वही नहीं सोच सकता, सोच आप भी सकते हैं, उससे अच्छा सोच सकते हैं। इनिशिएट आप कर सकते। इस मुल्क के लिए सिर्फ वही काम नहीं कर सकता कि जो टीवी पे आया हुआ है। इस मुल्क के लिए बोलने वाला नहीं, सुनने वाला भी अच्छा काम कर सकता है। हर इंसान अपने अंदर लीडर है। हर इंसान के अंदर स्किल्स हैं। ये तो अब हम पर है ना, हमारी एक सोसाइटी पे जिम्मेदारी आती है, हमारी गवर्नमेंट पे या हमारी वो तमाम इदारों पे ज़रूरत आती है कि हम अपनी स्किल को, हम अपने जो ये जो स्किल्स हैं, जो अपने जो नौजवान हैं उनकी स्किल्स को कैसे पॉलिश करते हैं। सर, बैड फॉलोअर्स की आपने बात की, देखें ऑब्वियसली हम इसमें इशारा जो करेंगे वो अपनी यूथ को करेंगे कि उनमें से ही बैड फॉलोअर्स ऊपर आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है या जो लीडरशिप सेक्टर आप कह लें, दोनों को मैं एक ही फ्रेम में लेके चलूँगा कि एजुकेशन में भी लीडर्स हैं, आप आइडियलाइज़ करके लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा अच्छी क्वालिटी के कुछ फॉलोअर्स? देखें उसकी वही बात आ जाती है कि आपका जो एजुकेशन आ रहे हैं इनका भी बड़ा रोल है, हमारे टीचर्स का, हमारे इवन एल्डर्स का, उनका बड़ा रोल है। वो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो किसको आइडियलाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सही, देखें घरों से निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, ये घरों से निकल रहे हैं। और सबसे पहली तरबियत आपकी घर में ही होती है। जो आगे लगा रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो घरों से ही निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि टीचर्स को अपनी अपनी जगह, एजुकेशनल इदारे हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कंपेन रखनी चाहिए, करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई आपने जो है लीडर, वाइल लीडर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल जमात का हो सकता है, या आपने अगर पॉलिटिक्स में आना है, इस मुल्क की खिदमत करनी है, आखिर जाहिर बात है कोई प्लेटफॉर्म से करनी है। कुछ लोग अपनी पार्टीज बना लेते हैं, वो भी अच्छा है, मगर अगर आप किसी को फॉलो करके या किसी के प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं तो आप ये तो देख लें कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या उसके कॉल और फेल में तजाद तो नहीं है, उसकी पास हिस्ट्री क्या है। देखें ये पैरामीटर्स है ना आपके पास जी। उसकी पास हिस्ट्री क्या है, अपनी पास हिस्ट्री क्या है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। और मैं यूथ का अगेन वही है कि ये मोबाइल जो है ना, जो हमारे हाथ में है, ये सबसे बड़ा स्टेमिना टीचर है। सही, आप ट्रेंड फॉलोअर ना बने, ट्रेंड क्रिएटर बने। ज़बरदस्त, आप फॉलोअर ना बने, आप खुद के अंदर एक लीडर तलाश करें, आप ट्रेंड क्रिएट करें, आप एक ट्रेंड लेके आएँ, न्यू ट्रेंड लेके आएँ जी। ठीक है, आप बिल्कुल लाएँ, आपको कौन रोकता है। आप इनकलाब जो है कहीं कभी भी कहीं से भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ ही सर इसको हम आज एंड करेंगे, और ये प्लेटफॉर्म हमने शुरू ही इस वजह से किया है कि इसमें हम अपकमिंग एपिसोड्स या सेगमेंट्स में डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट स्टाइल के लोगों को, डिफरेंट एरा के लोगों को और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को लेकर आएँ, और उनके मुताबिक जो मसाइल या जो मसाइल के हल हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करें। आखिर में मैं चाहूँगा कि अब्बास साहब एक सवाल हमारी ऑडियंस के लिए छोड़ें, उसके साथ ही हम इख्तिताम करेंगे। सर सवाल मैं ये छोड़ना चाहूँगा अपनी, स्पेशली अपनी जो है यूथ के लिए, कि जो पॉलिटिक्स में आना चाह रही है और जो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रही है, वो ये है कि आप लोग देखें कि क्या लीडर हालात क्रिएट करता है या हालात लीडर क्रिएट करता है। वाह ज़बरदस्त, क्या लीडर हालात क्रिएट कर रहा है या हालात लीडर क्रिएट कर रहे हैं? इस सवाल का फीडबैक, इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।